पंजाब का पंगा खत्म हुआ नहीं कि राजस्थान कांग्रेस में रण का ऐलान हो गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर आमने सामने हैं और सोनिया गांधी सारा तमाशा चुपचाप देख रही हैं। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ पिछले साल जो तेवर दिखा रहे थे, उसके बाद अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी की थी। करीब महीने भर चले इस सियासी ड्रामे का अंत तब हुआ जब सचिन पायलट से बहुत सारे वायदे किए गए। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, लेकिन कांग्रेस में कमेटी राज का हाल क्या होता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान ही है कि 10 महीने बाद भी सचिन पायलट से किए गए वायदे पूरे नहीं हुए। अब सचिन पायलट का धैर्य जवाब देने लगा है तो उन्होंने साफ कह दिया। पायलट ने कहा कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट के ताजा बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक की रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस में एक बार फिर से विरोध के सुर उठना शुरू हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए वायदे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई। सचिन पायलट ने खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। पायलट ने कहा कि मुझसे कहा गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अभी भी अनसुलझे ही हैं। वह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। सचिन पायलट का बयान ऐसे वक्त पर आया जब उनके एक समर्थक हेमाराम चौधरी ने इलाके के विकास के कामों की अनदेखी के मुद्दे पर 18 मई को इस्तीफा दे दिया था। वहीं 2 दिन पहले सचिन पायलट खेमे के विधायक पीआर मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट की 3 महीने बाद जमकर तारीफ की है। अब सचिन पायलट के ताजा बयान के बाद उनकी नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। डोटासरा ने कहा कि ये पार्टी आलाकमान का मामला है, राजस्थान में जून में ही जिला स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी। दरअसल पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद 11 अगस्त को कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल, अजय माकन को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाई थी। इस सुलह कमेटी का काम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों को सुनकर उसके आधार पर हाईकमान को रिपोर्ट देना था। कमेटी के एक मेंबर अहमद पटेल का देहांत हो चुका है। इस कमेटी को बने 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट का अता पता नहीं। सचिन पायलट ने उस वक्त ही कहा था कि ये कमेटी तत्काल रिपोर्ट देगी, लेकिन अब मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से पायलट खेमे का सब्र जवाब दे रहा है। पायलट के इस बयान से उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। उम्मीद है कि पंजाब कांग्रेस के मामले को सुलझाने के बाद आलाकमान राजस्थान के मुद्दों पर ध्यान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।